हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको थिंक इंक के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, शेयर प्राइस चार्ट, देन शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। थिंकिंग पिक्चर, वो स्ट्रांगली बिलीव इन इट, और इसलिए उन्होंने थिंकिंग पिक्चर इसका नाम रखा है। और ये लोग फिल्म मेकिंग, टीवी और वेब सीरीज, वेब शोज बनाते हैं, जो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों होता है, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है कब उन्हें क्या बनाना है। ये राज शांदलिया ने बनाया था एंड विमल के लाहौटी ने, और थिंकिंग पिक्चरिज लिमिटेड करके इन्होंने नाम रखा है। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 167 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 103, मतलब इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 38.5। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये शेयर आपको डबल प्राइस से भी ज़्यादा प्राइस में ये शेयर आपको मिल रहा है, मतलब बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बुक वैल्यू है 10.1 और करंट प्राइस है 56.5। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन से भी अगर आप देखेंगे तो 4 to 5 times आपको महंगे प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। ROC और ROE देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब कैपिटल पे रिटर्न कितना मिल रहा है, 0.03%। यूजुअली 15 to 20% माना जाता है एक अच्छा रिटर्न माना जाता है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.03 है। ROE तो और नेगेटिव में है, -0.66। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना एक भी स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है। लेकिन एक और बात जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी बता दूं, इस कंपनी में प्रमोटर्स के पास अपना, जो प्रमोटर का खुद की कंपनी का एक स्टेक होता है, 0% है ही नहीं। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर 37.2 है, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर बढ़िया दिख रही है। डेट कंपनी के पास बहुत कम है, उस वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना दिख रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड, 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 32 करोड़ 58 लाख का, और उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट था 51 लाख। 2019 में 32 करोड़ 61 लाख का था और उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट 91 लाख था। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा, 48 करोड़ 71 लाख, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया, उसके हिसाब से ठीक है। बाकी के पहले के कंपैरिजन में भी देखें तो 1 करोड़ 35 लाख के प्रॉफिट हुए। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू इतना गिर गया, 2 करोड़ 20 लाख पे आ गया डायरेक्ट 48 करोड़ से। पैंडमिक भी था, तो बोल सकते कि पैंडमिक की भी बीच में इशू आ गई, उस टाइम लॉकडाउन हो गया था, तो सब कुछ बंद हो गया था, तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू इतना गिरा है। लेकिन वो सब 2 या 3 महीने या 4 महीने बंद रहा, लेकिन बाकी के टाइम सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ चीज़ें खुल चुकी थी, तो कंपनी का रेवेन्यू इतना भी नहीं गिरना चाहिए था। यहाँ पर एक्सट्रीम रेवेन्यू गिर गया है और उस टाइम कंपनी का लॉस था 20 लाख का। लेकिन अब हम देखते हैं कि अब क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म करे, क्योंकि अब तो सब कुछ ओपन हो गया है। सो लेट्स सी, जून 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 39 लाख, सितंबर में 20 लाख और दिसंबर 1 करोड़ 96। तो अभी भी कंपनी बहुत कम रेवेन्यू प्रोड्यूस करे, बहुत ही ज़्यादा कम रेवेन्यू कंपनी का हो रहा है, जिसमें से पिछले 2 quarters में तो कंपनी लॉस में थी, अभी कंपनी प्रॉफिट में आई है 1 करोड़ 27 लाख के। तो इन शॉर्ट, यहाँ पर पहले जो कंपनी रेवेन्यू करती थी 20 करोड़ 16 करोड़ 6 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़, अभी वो कंपनी आप देख लीजिए लैक्स में कर रही है, पहले करोड़ में करती थी, अब लैक्स में आ गई है और दिसंबर में 1 करोड़ 96 लाख। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिर चुका है और अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फाइनेंशियल्स बहुत ही बिगड़ी हुई है कंपनी की। प्रमोटर्स यहाँ पर है ही नहीं कंपनी में, सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है,
थे वो भी अभी नहीं है, जीरो है। और एट द एंड सिर्फ पब्लिक यहाँ पर 100% सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स है। तो कल के दिन अगर कुछ भी होता है, कंपनी बंद भी हो जाती है, तो रिटेलर्स यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाते हैं। आई मीन फंसने की बात नहीं है, बट यहाँ पर प्रमोटर्स ही नहीं है, जिनकी कंपनी है वो ही नहीं है यहाँ पर, और पब्लिक है। तो यहाँ पर अगर शेयर गिरता भी है तो सिर्फ एट द एंड सिर्फ रिटेलर्स है जो यहाँ पर पूरी तरह से फंसते हैं, क्योंकि 100% स्टेक रिटेलर्स के पास है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट है, सन टीवी नेटवर्क है, TV18 ब्रॉडकास्ट है, PVR है, सारेगामा इंडिया है, आइनॉक्स लीजियर है, हैथवे केबल एंड थिंकिंग पिक्चर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतने सारे एंटरटेनमेंट के सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इतने सारे शेयर्स है, जिसमें आप PVR देख सकते हो हाल फिलहाल काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। और क्यों? क्योंकि PVR में मतलब जिस तरह से मूवीज़ काफ़ी बढ़िया कर रही है, तो बैक टू बैक लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ की तरह, मतलब क्रेज़ हो चुका है और वो थिएटर में जाके सारी मूवीज़ देख रहे हैं, और बैक टू बैक एक हिट मूवी आ रही है, तो PVR का जो शेयर है काफ़ी अच्छा खासा भाग रहा है। तो PVR को आप अपने नज़र में रख सकते हो। बाय द वे हम थिंकिंग पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका अगर आप देखेंगे मार्केट कैप काफ़ी कम है सारी कंपनी से कंपेयर करें। सेल्स अगर हम देखें क्वार्टरली वाइज सेल्स बड़ा है और क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट भी बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट परसेंटेज में 409%, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी और इस क्वार्टर में प्रॉफिट आया, दैट्स व्हाई। करंटली बात करें 5-year high 63.95, करंटली 56.60 और आज फ्राइडे को 5.30% अप था। तो ये शेयर में जिस तरह से कंपनी है आपके सामने है, तो आपको खुद ये मन में आएगा कि नहीं भाई अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर आपको निवेश करना है तो आपके रिस्क के ऊपर आप निवेश कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से और एज ए रिस्की ट्रेड लेना हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हो, बाकी आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको थिंकिंग पिक्चरेस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।